हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई पंचमेल दाल, जो कि हर घर में बनाई जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कुछ दालें ली हैं, तो सभी दालें मैंने 50 ग्राम वजन में ली हैं। तो ये अरहर की दाल और धुली हुई मूँग की दाल है। आप ले लेते हैं चने दाल, और ये उड़द की दाल है। तो ये छिलके वाली ली है मैंने, आप चाहें तो इसको धुली हुई ले सकते हैं। और फ्रेंड ये ले लेते हैं हम मूंग मसूर की दाल, तो ये लाल वाली मसूर दाल है। तो ये सारी दालें मैंने ले ली हैं। तो चलिए इसको 3 से 4 पानी से हम अच्छे से धो लेते हैं, और धोने के बाद इसको हम सोक करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो चलिए अब इसको हम पानी डाल के अच्छे से कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो इधर 20 मिनट हो गए थे, मैंने पानी सभी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद चलिए इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो इधर मैंने कुकर ले लिया है, तो कुकर में सभी दाल को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये दाल अक्सर घरों में बनाई जाती है, टेस्टी बहुत लगती है। तो दाल मैंने सभी कुकर में डाल दी है। उसके बाद डाल देते हैं हम इसमें पानी। तो जितनी मैंने दाल ली थी उससे हम 3 गुना पानी इसमें डालेंगे, तो उससे दाल हमारी परफेक्ट पकेगी। और अब इसमें डाल देते हैं हम नमक। तो 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, और 1 चम्मच डालते हैं हल्दी। तो ये हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद मिक्स कर देते हैं इसको, और कुकर को बंद करके हम इसको 2 से 3 सीटी लगा के पका लेंगे फ्रेंड। तो चलिए तब तक हम अपना तड़का तैयार करते हैं। तो इधर मैंने पैन लिया है, पैन में डाल देते हैं हम 2 बड़ी चम्मच तेल। इसकी जगह आप घी भी ले सकते हैं अगर आप घी पसंद करते हैं तो। और इधर तेल हमारा गर्म हो गया, तो चलिए डाल देते हैं जीरा। और जीरा को थोड़ा पकने देते हैं, उसके बाद कुछ और मसाले हम ऐड करेंगे इसमें। तो जीरा हमारा पक गया है, तो चलिए डाल देते हैं एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। उसके बाद ले लेते हैं 2 इलायची, 1 छोटी 1 बड़ी। तो इसको भून देते हैं। अब फ्रेंड लिया है मैंने जी वो लहसुन, तो ये 5 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी। इसको छोटा छोटा बारीक काट के डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, तो लहसुन का हमारा कलर चेंज हो गया। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो फ्रेंड ये मैंने 1 बड़ा प्याज काट के लिया था, तो इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है। और अब इसमें ले लेते हैं 1 बड़ा टमाटर, मैंने काटा था इसका बीज अलग कर दिया था, और टमाटर बारीक काट के और इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड ये थोड़ा सा भुन गया, अब इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक। तो नमक से टमाटर हमारा जल्दी से पक जाएगा। अब इसमें ले लेते हैं हरी मिर्ची, तो मैंने 2 टुकड़ों में कर ली है। तो ये हरी मिर्ची डालने के बाद भून लेते हैं। और ये टमाटर हमारा थोड़ा थोड़ा गलने लगा, अब इसमें मसाला डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, और इसको मिला देते हैं अच्छे से। तो मुझे पानी नहीं ऐड करना, टमाटर पानी छूटेगा उसी में हमारा मसाला पक के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम कवर करके पका लेते हैं, तो टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा और मसाला भी। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट मैंने पकाया, तो टमाटर भी हमारा अच्छे से गल गया है और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो कुछ बचे हैं, चलिए इसको हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, और ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है फ्रेंड। तो चलिए इधर दाल देख लेते हैं। तो दाल भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, तो आप देख सकते हो परफेक्ट दाल पकी है। इसमें पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि कुछ दाल थोड़ी सी फूट जाती है ना, तो अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। तो चलिए अब थोड़ी सी इसमें मसाले में हम डाल देते हैं हींग। तो ये मसाला हमारा परफेक्ट तैयार है, और इसमें चलिए अब डालेंगे हम दाल जो मैंने उबाल के रखी है। तो सभी दाल हम इसमें पलट देते हैं, और अब कर देते हैं इसको मिक्स।
तो ये पंचमिल जो दाल बनती है, मिक्स दाल तो थोड़ी सी ये मतलब गाढ़ी ही बनती है, इसको पतला नहीं किया जाता। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी, तो इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और आप थोड़ा सा मसाला अगर ज़्यादा यूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही सब ऐड कर दिया है, अब मैं कुछ भी नहीं डालूंगी मसाला। तो इसको थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं और एक उबाल आने देते हैं। तो फ्रेंड इधर एक उबाल आ गया दाल में, तो बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, नहीं तो ये दाल जो खड़ी खड़ी है ना गल जाएगी, तो दाल देखने में भी नहीं अच्छी लगती और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इसी तरह से हम इसको पका के तैयार कर लिए फ्रेंड। देखिए अच्छे से दाल हमारी मिक्स भी हो गई है और एक उबाल भी इसमें आ गया है, तो दाल हमारी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छी से बनी है। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड आप इंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।